Okay, students, let's continue from 1.4 digestion. Food provides us with energy and nutrients. The energy stored in the food we eat can only be released in the cells of our bodies in a process called respiration. Similarly, the nutrients in the food have to reach the cells before they can be used for growth and repair. अब बेटा अगर हम डाइजेशन की बात करें तो फूड जो है हम सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि फूड हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो एनर्जी हम फूड के अंदर स्टोर होती है वो हम जब ही रिलीज हमारे सेल्स के अंदर जब ही हमारी बॉडी तक पहुंच सकती है रिस्पायरेशन के थ्रू। बेटा रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? रिस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जब हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जब सांस ले रहे होते हैं और सांस जो है एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन के थ्रू ही बेटा हमें फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो ही हमारे सेल्स के अंदर आ सकती है रिस्पायरेशन के थ्रू। ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर होते हैं वो हमारे जब सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, वो हेल्प करते हैं हमें ग्रो करने में, और वो हमारे सेल्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और रिपेयर करने में, वापस से उनको ठीक करने में। ओके, देन वी हैव टू मूव ऑन टू पेज नंबर 16। Most of the food we eat consists of a large and insoluble molecules such as starch, fats and proteins which cannot diffuse through the cell membrane into the cells. These large and insoluble molecules have to be broken down into smaller soluble molecules which can then be absorbed by the bloodstream into the cells. The process of breaking down food into smaller soluble molecules is called digestion. Digestion may be physical or chemical. अब बेटा ज्यादा जो most of the food, जो ज्यादा food हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो consist करता है large और insoluble molecules. Insoluble molecules कौन से होते हैं बेटा, जो dissolve ना हो पाए। Insoluble molecules उसे कहते हैं जो dissolve ना हो पाए, ठीक है। जैसे starch हो गया, fats हो गया और proteins, वो हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, सेल मेम्ब्रेन होता है सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, डिफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जो बेटा दीज लार्ज एंड इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रोकन डाउन, ये जो लार्ज और इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं अब इन्हें क्या करना होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होना लाजमी होता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में और सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। और ये बेटा कैसे होते हैं, चेंज कैसे होते हैं इनसॉल्यूबल से सॉल्यूबल में और स्मॉलर में, क्योंकि जब हम फूड ईट करते हैं तो बेटा वो लार्ज उसका जो हम निवाला जो होता है बेटा वो उसका फूड जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। अब उसको जो है चेंज करने में क्या होता है कि हम लोग जब च्यू करते हैं और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स के अंदर जाता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब जहां से खून की रवानगी होती, ठीक है। और इस प्रोसेस को ये प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को ब्रेक करें स्मॉलर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन बेटा दो टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल भी या केमिकल, ठीक है बेटा। दो टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल या केमिकल। अब आ जाते हैं बेटा फिजिकल डाइजेशन। In physical digestion, big pieces of food are broken down into smaller pieces. There is no change in the type of molecules and so no chemical reaction take place. The teeth help to break big pieces of food mechanically into smaller pieces. Muscles in the stomach also help to break up pieces of food mechanically by churning them. The muscles do this continually, contracting and relaxing themselves. बेटा physical digestion क्या होता है, जिसमें
फूड का जो बिग पीस होता है उसे ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पीसेस में, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती उसके, मतलब मॉलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगी, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन जो है अकर नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। जैसे बेटा अगर मैंने कोई चीज ईट की तो ठीक है, वो मैंने टीथ के थ्रू जो है उसके पीसेस को ब्रेक किया स्मॉलर पीसेस में और वो मेरे स्टमक के अंदर गया, स्टमक के थ्रू जो जब वो बेटा गया है अंदर तो स्टमक में भी जो है वो पीसेस और ज्यादा ब्रेक हो जाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। सिंस न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन। स्टार्च मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल आर इनसॉल्युबल, टू लार्ज टू पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स। They have to be broken down into smaller molecules like glucose molecules. बेटा अगर हम chemical molecules की बात करें, वो खाना जो हम खाएं, मतलब पहले मैंने teeth के through जो है उसे chew किया, अब वो smaller pieces में break down हुआ और stomach में जाके जो है smaller pieces में, लेकिन इसके बीच जो है बेटा अगर कोई chemical reaction भी हो रहा है तो उसे हम कहते हैं chemical digestion. अब बेटा स्टार्च मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे एग्जांपल है इसकी इनसॉल्युबल या बहुत बड़े जो इंटेस्टाइनल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को जो है पास करते हुए जाएं, तो बेटा उनको जो है पहले क्या करना चाहिए, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप लोग अगर देखें तो सिर्फ एक है, जैसे ये जो है बेटा वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोग अगर खा रहे हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ज्यादा है। अब इनको क्या करना होता है कि हम लोग जब च्यू करेंगे तो ये एक एक करके मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा और फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बेटा अब ये वही बात हो गई कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, सॉरी स्टार्च मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, केमिकल डाइजेशन इज स्पीड अप बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। Enzymes are special types of proteins produced by the body for bringing about or spreading a specific chemical reaction in the body. बेटा आप chemical reaction जो होता है वो speed up कर देता है कोई भी enzymes को। Enzymes क्या होते हैं बेटा? Enzymes वो proteins होते हैं जब हमारी body के अंदर वो produce होते हैं proteins के through, ठीक है, जो chemical reaction को speed up भी कर देता है। All right students, enzymes that help in digestion are called digestive enzymes. Different types of digestive enzymes helps to break down different nutrients into smaller and soluble molecules during digestion. An example of digestive enzyme is amylase, which break down starch into maltose, a complex sugar. अब बेटा अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो वो क्या करता है कि एंजाइम्स के थ्रू पहले उसे कन्वर्ट करता है, स्पीड अप करता है। अब बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो डाइजेशन के थ्रू मदद करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब बेटा डिफरेंट टाइप्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में और बिल्कुल ही स्मॉलर और स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। अब बेटा आप लोग अगर फिगर 1.21 में देखें तो स्टार्च जो है ब्रेक डाउन हो रहा है मेल्टोज में, मतलब उसके साथ जब वाटर ऐड किया तो वो मेल्टोज में ऐसे ऐसे दो दो करके ब्रेक डाउन हो, ठीक है। और बेटा ये होता है एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, इनकी पिक्चर के थ्रू एक्शन दिखाया गया है।
ये होता है स्टार्च मॉलिक्यूल और ये होता है एंजाइम एक्टिंग ऑन स्टार्च मॉलिक्यूल. मतलब अगर दोनों एंजाइम मॉलिक्यूल और स्टार्च मॉलिक्यूल दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, एंजाइम ब्रेकिंग डाउन, जब बेटा एंजाइम्स जो हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम्स के भी और स्टार्च के भी, और मेल्टोस मतलब जब कन्वर्ट हो गए हैं मेल्टोस मॉलिक्यूल्स. आई होप टिल पेज नंबर 17 इट्स क्लियर टू यू ऑल.